हाय गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। और आज मैं आपको देने वाला हूँ 5 टिप्स ऑन हाउ टू टेक केयर ऑफ योर कैमरा, हाउ टू सेव योर कैमरा फ्रॉम द एलिमेंट्स या जनरली डैमेज से कैसे बचाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। पहला टिप जो मैं आपको देना चाहूँगा वो ये है कि अगर आपके कैमरा में कैमरा स्ट्रैप है, कैमरा बॉडी में अगर आपका कैमरा स्ट्रैप है, तो आप उसको यूज़ ज़रूर कीजिए। और अगर आपने उसको घर पे कहीं रखा हुआ है, कबर्ड में, शेल्फ में सजा के उसकी पूजा कर रहे हैं, तो उसको निकालिए, उसको कैमरा बॉडी में लगाइए और उसको ऐसे या तो आप गले में टांग के यूज़ कर सकते हैं, जो नेचुरली हम लोग काफ़ी लोग करते हैं, या तो आप इसको कंधे में ऐसे टांग के भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि जनरली मैं ऐसा करता हूँ। मैंने जैसे कोई शॉट लिया और मैंने इसको ऐसे कंधे में टांग लिया जस्ट टू मूव अराउंड इन डिफरेंट लोकेशंस, या अगर मैं जनरली इसको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। ऐसा होता क्या है कि अगर आप कैमरा स्ट्रैप नहीं यूज़ कर रहे हैं, आप सिर्फ कैमरा को हाथ से पकड़ के रख रहे हैं, तो कई बार चांसेस होते हैं कि कहीं हम कैमरा को बम्प कर दें या हाथ से हमारे कैमरा गिर सकता है। ऑन द अदर हैंड, अगर आपके पास कैमरा स्ट्रैप है, फिर अगर आपने कैमरा को यूँ पकड़ रखा है, अगर आपके हाथ से यूँ कैमरा गिरा भी, तो जो है आपका कैमरा स्ट्रैप कैमरा को बचा लेगा। तो मेक श्योर दैट इफ यू हैव केप्ट योर कैमरा स्ट्रैप समवेयर इन द कबर्ड, टेक इट आउट, उसको आप निकालिए और कैमरा में लगाइए और यूज़ करना शुरू कीजिए आज से ही, फ्रॉम राइट नाउ। ट्रस्ट मी, दिस विल डेफिनेटली सेव योर कैमरा वन फाइन डे। दूसरा टिप जो मैं देना चाहूँगा कि आप अपने कैमरा लेंस के जो कवर है उसको आप यूज़ कीजिए, बिकॉज आपका जो कैमरा लेंस है वो जनरली ग्लास ऐसे यू नो इट इज़ एक्सपोज टू द एलिमेंट्स। ऑफकोर्स आप एक यूवी फिल्टर यूज़ कर सकते हैं, बट जनरली लोगों का कहना होता है कि यूवी फिल्टर से शायद इमेज क्वालिटी में फ़र्क पड़ता है। मुझे पर्सनली कोई ऐसा फ़र्क दिखा नहीं, ऑल्दो मैं यूवी फिल्टर बहुत कम यूज़ करता हूँ। आप कर सकते हैं यूज़, बट इवन देन बिकॉज योर लेंस इज ग्लास इज एक्सपोज, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन मूव कर रहे हैं, तो मेक श्योर दैट यू पुट योर लेंस कैप ऑन। कोई बड़ा काम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इट्स जस्ट दैट आपने एक दो शॉट्स लिए, दो चार शॉट्स लिए, उसके बाद अगर आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, जस्ट आपको ये लगा लेना है, उससे आपका लेंस बहुत ज़्यादा सेफ रहने वाला है। ये आप ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज कई बार मैंने देखा है ये लेंस ग्लास डैमेज हो जाता है, और अगर ये लेंस ग्लास डैमेज हुआ देन दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव अफेयर टू। तीसरा जो टिप है, अगर मैं आपको बताऊं कि मेमोरी कार्ड से रिलेटेड है, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ दोस्तों, जब आप मेमोरी कार्ड अपने कैमरा से निकालते हैं या कैमरा में मेमोरी कार्ड डालते हैं, तो मेक श्योर कि आपका कैमरा जो है स्विच्ड ऑफ हो, बिकॉज अगर स्विच ऑन होता है और अगर आप मेमोरी कार्ड स्विच ऑन होते हुए निकालते हैं, तो कई बार चांसेस होते हैं कि आपका डेटा जो है, आपकी पिक्चर्स, आपका वीडियो फुटेज वो करप्ट हो जाए, बिकॉज आपका कैमरा ऑन था जब आपने मेमोरी कार्ड निकाला। तो आप दिमाग में ये बात बिठा लीजिए कि अगर आपको मेमोरी कार्ड निकालना है, मेमोरी कार्ड स्वाइप करना है या मेमोरी कार्ड से कोई भी काम है, तो पहले आपका कैमरा ऑफ हो, उसके बाद ही जो है आप मेमोरी कार्ड के लिए इस डोर को खोलें और मेमोरी कार्ड निकालें। चौथा टिप जो मेरे पास है आपके लिए वो ये है कि अगर आप एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं या आपने अपना शूट कंप्लीट कर लिया है, तो आप कैमरा इक्विपमेंट को, लेंसेज, एक्सेसरीज, कैमरा बॉडीज, जो भी आप कैरी कर रहे हैं, उसको कैमरा बैग में सेफली डाल दीजिए और कैमरा का बैग का जिप ज़रूर बंद कर लीजिएगा, बिकॉज कई बार मैंने ये देखा है कि कैमरा बैग में तो फोटोग्राफर्स डाल लेते हैं, बट कैमरा का जो बैग का जिप है वो बंद करना भूल जाते हैं, एंड व्हेन दे गेट अप विद द बैग, पूरा बैग खुल जाता है और इक्विपमेंट सारा नीचे ज़मीन पे डैमेज हो जाता है। तो कैमरा बैग ज़रूर यूज़ कीजिएगा आपके कैमरा इक्विपमेंट को रखने के लिए, और कैमरा बैग के जिप को बंद करना ज़रूर याद रखिएगा, बिकॉज उसकी वजह से काफ़ी कैमराज मैंने डैमेज होते देखे हुए हैं फोटोग्राफर्स के अपने नज़रों के सामने। और पांचवा और आखिरी टिप, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप है, वो ये है कि अगर आप कैमरा का लेंस चेंज कर रहे हैं, जो कि आप ऑफकोर्स करते होंगे, डिफरेंट शॉट्स के लिए आपको डिफरेंट लेंसेज चाहिए होंगे, तो आप जब लेंस चेंज कर रहे हैं तो मेक श्योर दैट योर कैमरा इज़ फेसिंग डाउन, जब आप उसमें से लेंस निकालें और उसका जो कैमरा का जो बॉडी है वो डाउन इसलिए फेस करें, बिकॉज मिनिमम से मिनिमम डर्ट और डस्ट अंदर जाए। इस तरह से मत ओपनली खोलिएगा, because then there is greater chance of dust going inside the sensor. Also, अगर आपको लगता है कि कैमरा लेंस चेंज करने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लग रहा है आपको, तो आप ये खोल के आप जो है अपने हाथ से यूं करके कैमरा का जो बॉडी है, जो सेंसर है, उसको आप ढक सकते हैं, सो दैट कोई डस्ट या डर्ट अंदर ना जाए। मैं बस यही कहूँगा कि फटाफट लेंस चेंज कर लीजिएगा और कैमरा के बॉडी को प्रेफरेबली ऐसे नीचे की तरफ रख के आप जो है
लेंस को ओपन करिएगा, देन द सेंसर विल रिमेन सेफ फ्रॉम एनी डस्ट एंड डर्ट। काफ़ी सारे टिप्स है जो कि ऑन द फील्ड आप यूज़ कर सकते हैं, वो दूसरे वीडियो के लिए मैं सेव करके रखूँगा, जल्द ही वो वीडियो भी बनाऊँगा। तो अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल है तो एक थम्स अप ज़रूर छोड़ दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बिकॉज अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, आप लोग कमेंट करेंगे, देन दैट गिव्स मोटिवेशन टू समबडी लाइक मी टू क्रिएट मोर एंड मोर वीडियोस। दैट नोट, आई लैंड दिस वीडियो हियर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो थम्स अप ज़रूर छोड़िएगा, फिर से बोल रहा हूँ, और मैं आपसे मिलूँगा कल एक नए वीडियो में। बाय बाय।